सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। तो यार आज की इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस प्लेयर के बारे में जिसको यार आज तक मैंने सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है, जो यार एक स्किलफुल प्लेयर होने के साथ साथ एक इंटेलिजेंस प्लेयर भी हैं और रेगुलर प्लेयर में यार सबसे खास प्लेयर है। मैं बात कर रहा हूँ आर्किटेक्ट की। ठीक है, तो आज की इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्किटेक्ट के बारे में। तो यार बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यार सबसे पहले अगर मैं आर्किटेक्ट के डिसएडवांटेज यानी कि माइनस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके पास यार लेस हाइट, लेस स्ट्रेंथ और लेस पावर। ठीक है, इस वजह से इस प्लेयर को आप जब कभी भी पास करोगे तो यार इसके रेंज में ही पास करना, अदरवाइज ये प्लेयर बॉल नहीं ले पाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्लेयर है, ये जो आर्किटेक्ट है, वो यार स्कोर तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी क्लोज रेंज से ही वो स्कोर कर सकता है, लॉन्ग रेंज से वो लेस पावर होने की वजह से स्कोर नहीं कर पाएगा। और इस प्लेयर के पास प्लेयर बिहेवियर में भले ही पास हो लेकिन यार ये लॉन्ग पास नहीं कर पाएगा लेस पावर होने की वजह से। ठीक है, और प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यार इसके पास है मीडियम स्पीड और सबसे हाई स्किल। ठीक है, मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी रेगुलर प्लेयर्स हैं और सुपर प्लेयर्स की बात तो यार छोड़ो, क्योंकि सुपर प्लेयर्स जो होते हैं वो रेगुलर प्लेयर के अपग्रेडेड वर्जन होते हैं। अब वही बात करो रेगुलर प्लेयर्स की, तो यार रेगुलर प्लेयर्स में सबसे जो इंटेलिजेंस जो प्लेयर होता है, सबसे जो स्किलफुल प्लेयर होता है, वो हमारा आर्किटेक्ट होता है। ठीक है, इसका जो स्किल है सबसे ज़्यादा है और ये जो प्लेयर है वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है गेम में। और ये जो प्लेयर है आपको अच्छा असिस्ट करके देगा, अच्छा पास करेगा। ठीक है, साथ ही साथ यार ये जो प्लेयर है वो इंटेलिजेंस होने के साथ साथ रेगुलर प्लेयर्स में से सबसे बेस्ट फ्री किक टेकर भी है। ठीक है, मतलब रेगुलर प्लेयर में दो फ्री किक टेकर हैं, प्रोड्यूसर और आर्किटेक्ट, जो दोनों प्लेयर के पास स्किल है। पर यार सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है फ्री किक टेकर के लिए वो रेगुलर प्लेयर्स में से यार वो है हमारा आर्किटेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आगे मैं बात करूँ आर्किटेक्ट के प्लेयर बिहेवियर के बारे में तो यार इसके पास शॉट है और पास है। ठीक है, तो शॉर्ट पास के बारे में जैसे कि मैंने बताया, ये जो प्लेयर है वो गोल स्ट्राइक कर सकता है, गोल कर सकता है, पर यार काफ़ी क्लोज रेंज से ही। और पास इसके पास है, ये अच्छा पास कर सकता है, अच्छा असिस्ट कर सकता है, लेकिन ये लॉन्ग पास नहीं कर सकता है लेस पावर होने की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ यार इसका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कहता है ए प्लेयर विथ ग्रेट विजन। ठीक है, इसकी ये जो प्लेयर है वो एक विजन के साथ खेलता है और साथ ही साथ ये जो प्लेयर है ये आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा जो अदर्स प्लेयर्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब यार मैं क्या करूँगा, मैं आर्किटेक्ट को इन्फिनिटी एरेना में ट्राई करूँगा। ठीक है, इन्फिनिटी एरेना में ट्राई करूँगा कि किस तरह से ये असिस्ट कर सकता है और किस तरह से ये स्ट्राइक कर सकता है। और गाइस एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई फ्री किक टेकर के लिए अदर ऑप्शंस नहीं है, आप उसी स्थिति में आर्किटेक्ट को अपने प्लेइंग 11 में लेना। अदरवाइज अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है फ्री किक टेकर के रूप में, जैसे कि जिपकोविच कंपोजर हो गए और हिटमैन हो गए, मार्क्समैन हो गए, या फिर आर्किटेक्ट का अपग्रेडेड वर्जन सुपर प्लेयर जिमर विजार्ड हो गए, अगर ये हैं तो आप इन्हीं को खिलाना। अब यहाँ पर आर्किटेक्ट का आप बस असिस्ट देखना। ठीक है, और यहाँ से ओके हैमर को दूंगा, असिस्ट करूँगा और ये हैमर को मिल गया हेडर, और यार ये हेडर के द्वारा पहला गोल। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने कहा था आर्किटेक्ट जो है वो एक अच्छा असिस्ट कर सकता है आपके लिए विंगर वाले पोजीशन से, और यार आपको गोल करने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, स्किलफुल प्लेयर होने की वजह से, इंटेलिजेंट प्लेयर होने की वजह से। ठीक है, और सामने वाले प्लेयर के पास बॉल है और जैसे कि मैंने कहा था इन्फिनिटी एरेना में इसको ट्राई करूँगा। यार ये मैं पहला मैच खेल रहा हूँ और दूसरा मैच मैं अभी इस वाले मैच में मैं इसको विंगर वाले पोजीशन पे खिला रहा हूँ असिस्ट करने के लिए, और पहला असिस्ट आप देख चुके हैं। और यार अगला मैच में मैं आर्किटेक्ट को ट्राई करूँगा स्ट्राइक वाले पोजीशन पे। ठीक है, ओके, सामने वाले प्लेयर के पास बॉल और वो पास करेंगे, हेडर किक पे दिया है उन्होंने, और यहाँ पे यार डिफेंड मेरे प्लेयर का, आगे दूंगा बीस्ट नाम के हैमर को, और यहाँ से एक बार फिर से आर्किटेक्ट को दूंगा, और यह है फिशर आर्किटेक्ट, और ओके एक बार फिर से यार मुर्मू वाले हैमर को पास करूंगा, और यहाँ से मैं मैनाक को आगे दूंगा। ठीक है, और देखते हैं मैनाक मेरे लिए स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं। ओके ठीक है, ओके मैं इस बार राइट में पास करूँगा प्रोटेक्टर के पास,
और प्रोटेक्टर से यहाँ से मैं दूंगा प्रोलर को, और ये शॉट मिल जाएगा प्रोलर का, नीचे शॉट करूँगा। और यार ये दूसरा गोल, पहला मैच बड़ी आसानी से मैं जीत चुका हूँ। और यार पहला असिस्ट आर्किटेक्ट के द्वारा आया था, अब दूसरा मैच पे चलते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं दूसरा मैच में क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, आर्किटेक्ट को प्रोलर से रिप्लेस करूँगा, ठीक है। आर्किटेक्ट को प्रोलर की जगह स्ट्राइक पर ले जाऊँगा और प्रोलर को यार साइड में लेके आऊँगा। अब चलो फिर से इन्फिनिटी एरिना में मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वाले गेम प्ले में क्या होता है। ओके गाइस, मैच लग चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से 600 बक्स का बिड ले लूँगा और चलो पास मुझे मिल जाएगा, मिल गया पास, ठीक है। बैक पास करूँगा और ये जो प्लेयर हैं यार वो खेल रहे हैं 3-5-2 फॉर्मेशन 26 गोल्ड मेडल के साथ, ठीक है। और मेरा टारगेट बस ये फाइंड आउट करना है कि मेरा जो आर्किटेक्ट है वो स्ट्राइक लेवल पे क्या परफॉर्मेंस करके दिखाता है। यहाँ पे मैंने आगे दिया है प्रोटेक्टर को और प्रोटेक्टर से ओके चलो फिशर आर्किटेक्ट, और असिस्ट मिल जाएगा इस बार भी, मिल जाएगा। ये देखो असिस्ट, देखो यार आप क्या ही ख़तरनाक अपॉर्चुनिटी मतलब असिस्ट करके क्रिएट कर रहा है। तो फिलहाल मैं एक गोल से आगे हूँ अब तक की कहानी में, मेरे आर्किटेक्ट का असिस्ट और मेनाक का गोल, ठीक है। अब सामने वाले प्लेयर के पास बॉल है और डेफिनेटली ये प्लेयर मुझे गोल बैक करेगा, बिकॉज यार ये प्लेयर जो है वो 3-5-2 प्लेयर फॉर्मेशन में खेल रहा है, ठीक है। अब क्या बात है, सामने वाले प्लेयर के पास भी मैक्स लेवल के हैमर और यहाँ पे यार उसके गार्ड पहुँच जाएंगे। और यार ये देखो मैंने कहा था ना वो मुझे गोल बैक करेगा, और यार मेरा बात ख़त्म होने से पहले उसने मुझे गोल बैक किया। ओके चलो बॉल आ चुका अपने पास, मैच 1-1 की बराबरी पे, और ये जो लास्ट वाला गोल होगा, अभी जो गोल होगा, ठीक है, वो मैं ट्राई करूंगा कि मेरे आर्किटेक्ट स्कोर करे। और यहाँ पे बॉल मेरे पास राणा जी, आगे दूंगा मुर्मू वाले हैमर को और यहाँ से ओके चलो साइड में दूंगा अपने कैप्टन को, और प्रोटेक्टर निकल जाओ, निकल जाओ। ओके इस बार मैं क्या करूंगा, ओके मुर्मू वाले हैमर की तरफ बैक करूंगा और यहाँ से लेफ्ट में दूंगा बीस्ट नाम के हैमर को, और यहाँ से मैं ओके चलो यार आर्किटेक्ट कम ऑन। ओके गाइस खैर यहाँ पे आर्किटेक्ट पहुँच सकते थे, ठीक है, पर क्योंकि यार अपग्रेड अभी अभी काफ़ी कम है, 6 अपग्रेड में है और वो भी मैं खिला रहा हूँ इन्फिनिटी एरेना में, इस वजह से छोड़ो यार। ये देखो आप क्या बात है, शॉट अच्छा था पर यार ड्रॉप, और यहाँ पे ये देखो स्कोर शॉर्ट रेंज से। और यार ये देखो मैंने कहा था ना कि आर्किटेक्ट आपके लिए यार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा, आपने देखा कि वो बॉल को पास पहुंच नहीं पाए, पर आप ये टेकल देखो, ठीक है, जो कीपर पास करते हैं उसके बाद, और ये देखो ये टेकल यार, ये टेकल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। अब ये वाला शॉट भले ही गोल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा था कि आर्किटेक्ट का शॉट रेंज से गोल हो सकता है, वो शॉर्ट रेंज से गोल कर सकता है। और यहाँ पर आप ये देखो वन टच स्ट्राइक आर्किटेक्ट का, ठीक है। तो यार गाइस ये था आज का हमारा वीडियो आर्किटेक्ट से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यार मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।